जिस फसल को उपजाने में लगभग 6 महीने आप लोग मेहनत करते हैं, आज कराघर प्रखंड मुख्यालय पर किसान महासंघ के द्वारा जलाया गया है। आखिर क्या दिक्कतें हुई कि जलाना पड़ा? सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए किसानों के हित में। फसल किसान उपजाते हैं, काफी मेहनत करके उपजाते हैं, दिन रात खट के उपजाते हैं। सरकार का किसानों का लागत मूल्य भी नहीं आ रहा है और इस साल तक किसान और परेशानी में है। पिछले साल से भी जो 1500-1600 रुपये क्विंटल धान गया था, इस साल 1300 लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। इसलिए किसान लाचार हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है लागत मूल्य। तो लागत मूल्य निर्धारित किया 1815 रुपया प्रति क्विंटल और उस लागत मूल्य पर सरकार नहीं खरीद रही है, जबकि सरकार की कानूनन जिम्मेवारी है कि अगर इससे कम दाम पर खुले बाजार में किसानों को दाम मिल रहा है, कीमत मिल रहा है, तो सरकार की कानूनन जिम्मेवारी है कि वो तमाम धान 1815 रुपया क्विंटल से खरीदे। लेकिन यहाँ बिहार सरकार धान नहीं खरीद रही है, जबकि बिहार सरकार 15 नवम्बर 2019 से खरीद अभियान शुरू किया है और आज हो गया 11 फरवरी 2020। 2 महीना के दरमियान 10% भी इस जिले इस पूरे बिहार में धान की खरीदारी नहीं हुई। तब किसान बाध्य हैं कि रखे तो कहाँ रखें। इसलिए सरकार के सामने सांकेतिक रूप से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों ने अपना धान जलाकर यह बताया कि देखिए किसान किस कितने कष्ट में है और इस धान को अगर आपकी कान बहरी है, आपके प्रशासन बहरे हैं, तहां तक पहुंचाने के लिए यह संकेत किया गया है और यह आंदोलन जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं है। जब तक किसानों के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी किसानों का धान सरकार नहीं खरीदेगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और यह शुरुआत है और यह लगातार जारी रहेगा। और पुनः हम किसानों सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को तत्काल युद्ध स्तर पर किसानों के धान खरीद की व्यवस्था करनी चाहिए और जितनी भी जटिल नियम उन्होंने बनाया है उस जटिल नियम को समाप्त करके साधारण नियम बना के और किसानों का धान खरीदें। 17% नमी पर आप किसानों का धान खरीदते हैं और जब चावल लेने की बारी आई तो आप कहते हैं कि हम 14% से ज्यादा नमी होगा तो नहीं लेंगे। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय संगत है? 17% नमी पर आप धान ले रहे हैं तो चावल भी आपको 17% नमी पर लेना चाहिए। यह अन्याय संगत है, यह अन्याय प्रतीत है। तो हम लोगों को जो है यह उचित जान नहीं पड़ता है, इसलिए हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आप इस जटिल नियम को समाप्त कीजिए और तत्काल किसानों का धान खरीदिए। अगर नहीं खरीदिएगा तो यह आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम।